भगिनी की हत्या के आरोप में एक मामा को 3 माह पहले पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। यह मामला कटिहार जिले के कोटा थाना क्षेत्र के सोनवर्षा गांव की है। 3 माह के बाद उस कैदी की मौत बुधवार को जेल में हो गई, जिसे पुलिस के द्वारा अस्पताल पोस्टमार्टम के लिए लाया गया। इस घटना की जानकारी मिलते ही कैदी के परिजन सदर अस्पताल पहुंचे हैं। उन्होंने बताया कि सोनवर्षा निवासी मोहम्मद हनीफ को उनके जीजा अपनी बेटी के कत्ल में झूठा फंसा दिया था, जिसके बाद पुलिस ने 3 माह पहले उस कैदी को गिरफ्तार कर कटिहार जेल भेज दिया था। कैदी ना तो बीमार था और ना ही किसी प्रकार को उनको बीमारी थी, तो किस प्रकार कैदी की मौत हुई और इस घटना के बारे में पुलिस ने परिजनों को सूचना नहीं दिया, जबकि उस कैदी के साथ उसी गांव के एक कैदी भी बंद था, जिसके द्वारा फ़ोन से परिजनों को इस बात की जानकारी दी गई। परिजन पुलिस पर सवाल उठा रहे हैं कि जब वह बीमार नहीं था और ना ही किसी प्रकार की बीमारी थी, तो उसकी मौत कैसे हुई और उसके मौत होने के बाद भी पुलिस के द्वारा उनके परिजनों को सूचना नहीं दिया गया। फिलहाल मामला चाहे जो कुछ भी हो, यह जांच का विषय है। बीटी न्यूज़ बिहार के लिए कटिहार से सुनील कुमार की रिपोर्ट। सुबह सूचना मिला जेल से कैदी के द्वारा जो ये आदमी डेड कर गया है आपका, ये आप लोग आइए। तो हम लोग आए डायरेक्ट सदर हॉस्पिटल, इसमें आकर देखे डेड बॉडी है, पड़ा हुआ है यहाँ। क्या इलाज के दौरान मौत हुआ क्या? नहीं, कोई इलाज उलाज नहीं है, यहाँ पर डायरेक्ट देखे पड़ा हुआ है। मतलब जेल से सूचना मतलब कैदी ही दिया? हाँ, कैदी से ही दिया। कोई पुलिस जी नहीं, कोई पुलिस से नहीं मिली। तो वहाँ से आप लोग यहाँ? जी, हम लोग यहाँ डेड कर चुका है। जी, डेड कर चुका है। ये बीमार उमार था क्या? जी नहीं, पहले से कोई बीमार उमार नहीं थी। कोई बीमार? जी नहीं। तो मतलब इस पर किस मामले को लेकर दर्ज था, कौन सा मामला था इस पर? ये मर्डर केस में इसको झूठा केस में फंसाया गया था। तो वही केस चल रहा? जी, वही केस चल रहा। कितने दिन से बंद था ये? लगभग 3 महीना से। 3 महीना से जी। क्या नाम आपका? जी, इनाम उल्लाह। उस कैदी का क्या नाम? उसका नाम है मोहम्मद हनीफ। घर कहाँ है? सोनवर्षा। नाम मिले? सूचना यही है कि मेरा भाई को जो है झूठा इल्जाम में मर्डर केस में फंसाया था। ठीक। वो जेल गया था, 2.5 महीना हो गया लगभग। उसे ना मिलने दिया, ना देखने दिया, ना कोनो खाना पीना देने दिया। आज जो है सुबह 7 बजे हमको खबर मिल रहा है कि मेरा भाई मर गया। अगर वो मर गया तो उसका कोई इलाज नहीं हुआ, उसका कोनो देखभाल हुआ नहीं। आज 7 बजे हमको खबर दिया कि वो डेड कर गया। क्या पुलिस खबर दी? जी, जेल से खबर दिया। मेरा भतीजा भी था वही केस में, वही दिया खबर। मतलब पुलिस दी? मतलब जेल से दिया? जी, जेल से दिया। कौन दिया? पुलिस दिया? कैदी दिया? कैदी। कैदी पुलिस ने दी? जी नहीं। बीमार था आपका भाई? ना, बीमार नहीं था। बीमार था नहीं था? हमको तो मिलने नहीं दिया, हमसे बातों करने नहीं दिया। हम कैसे बताएंगे कि बीमार था कि क्या था? नहीं था पहले बीमार नहीं था। कितना उम्र है इसका? 28 साल। कोई बीमारी था पहले पुराना? जी नहीं, कोई बीमारी नहीं था। बीमारी रहता तो आज 1 महीना कोरोना में रहा पूर्णिया जेल में, वहाँ तो कुछ पता चलता कि बीमारी है। क्या मिला सूचना? सूचना अभी क्या मिलेगा हमको? मतलब क्या मिला सूचना कि अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई? नहीं, हमको जेल से खबर मिला कि डेड बॉडी निकाला है। कोई सूचना नहीं मिला? कोई सूचना? कोई कैदी बोला कि ठीक? नाम क्या आपका? नाम तैया बोली। जेल के अंदर हत्या की गई है, नीचे करो। आपको यह मोहम्मद हनीफ हैं, जिनकी उम्र लगभग 28 वर्ष है, और यह कोढ़ा थाना कांड संख्या 88-20, जिसमें इनकी भाई की पुतोहू की हत्या हुई थी दहेज के लिए, इसके प्राथमिकी अभियुक्त थे। और इसमें इनको कोढ़ा थाना द्वारा दिनांक 16/12/20 को विगत आज से 3 माह पहले जो है गिरफ्तार करके जेल में भेजा गया था, और यह वर्तमान में ये जुडिशियल कस्टडी में थे। और इनको जेल के अंदर में ही इनकी मृत्यु हुई है। मृत्यु किस कारण से हुई है? तो चूँकि जुडिशियल कस्टडी में थे, मानवाधिकार आयोग के प्लस माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश अनुसार उनका जो गाइडलाइन है उसके तहत कार्रवाई होगी। इसमें जुडिशियल जो हमारे जुडिशियल मजिस्ट्रेट हैं उनकी उपस्थिति में इसकी पोस्टमार्टम कराई जाएगी, और जो कार्यपालक जो मजिस्ट्रेट हैं उनके द्वारा इंक्वेस्ट किया जाएगा, प्लस इसकी जुडिशियल इंक्वायरी भी होगी। सर, परिजन का आरोप है कि सूचना नहीं दी गई थी कि बीमार चल रहे हैं या मर गए हैं, बहुत लेट से सूचना दी गई है। हाँ, यह चूँकि मैटर जेल से रिलेटेड है, हमसे रिलेटेड नहीं है, तो इसका स्पष्टीकरण जेल विभाग द्वारा जो भी है रिस्पॉन्सिबल उनको देना चाहिए। क्यों देरी हुई वो बताएंगे। क्या कार्रवाई होगी सर? इसमें जांच होगी, और जांच में यदि किसी की कोई कमी पाई गई होगी तो उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।